हेलो दोस्तों, मैं क्लास 5 यूनिट 1 नंबर अप टू 99 करोड़ 99,99,999 का क्या बता रहा हूँ, तो रिव्यू वर्कशीट बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट है, राइट द पीरियड प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द इनसर्कल डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर। दोस्तों इसको तीनों चीज़ निकालना है, पीरियड भी निकालना है, प्लेस भी निकालना है और प्लेस वैल्यू भी निकालना है। दोस्तों एक्चुअल में होता क्या है, प्लेस प्लेस वैल्यू और पीरियड ये सारा में होता क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आप देखे होंगे जो पीरियड होता है, जैसे यहाँ कोमा लगा हुआ ना, 1 2 3, 3 अंक के कोमा, तो ये वन, यहाँ से यहाँ वंस पीरियड है, उसके बाद होता है थाउजेंड, उसके बाद होता है लाख। ये पीरियड बोल रहे हैं पहला, जैसे यहाँ बड़ा वाला नंबर में लेते हैं, जैसे 1 2 3 यहाँ कोमा है, तो यहाँ से यहाँ वंस पीरियड है, उसके बाद ये थाउजेंड पीरियड है, उसके बाद यहाँ लाख पीरियड है। लेकिन अगर प्लेस में पूछेंगे तो ये 1 10 100 है, थाउजेंड 10,000 है, यहाँ लाख है ना। तो हम लोग को यहाँ तीन चीज़ निकालना था, पीरियड प्लेस और प्लेस वैल्यू। तो मैं चलिए शुरू करता हूँ नंबर वन से। न्यू पेन है इसलिए नहीं चल रहा है। नंबर वन का पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या, पीरियड, PERIOD, पीरियड, उसके बाद लिख लेते हैं प्लेस एक साथ ताकि ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, नहीं तो बहुत लिखना पड़ेगा। PLACE प्लेस, यहाँ वैल्यू VALUE, तो यहाँ आ जाएगा हम लोग को। तो पहला नंबर ए नंबर बता रहा हूँ, यहाँ देखिए पीरियड क्या है, तो यहाँ से यहाँ बताए वंस है और यहाँ थाउजेंड है, वन के बाद थाउजेंड डायरेक्ट होता है, हंड्रेड नहीं होता है, तो इसका पीरियड हो जाएगा थाउजेंड। तो THOUSAND, थाउजेंड्स। और प्लेस क्या है, तो 1 10 100 1000। आपको कभी कभी ना तो पीरियड अलग प्लेस अलग अलग आएगा, ऐसा भी होगा देखिएगा अभी। तो इसका प्लेस भी थाउजेंड ही है, THOUSAND। और प्लेस वैल्यू जो होता है, देखिए यहाँ एट है, एट के बाद 1 2 3, 3 0 है, तो एट उसके बाद 3 0, ये कैसे हुआ, एट और ये 1 2 1 10 100 1000 में है, तो 8 × 1000 8000 है ना। ए नंबर बन गया। अगला बी नंबर, बी नंबर में निकलना 1 10 100 1000, तो ये भी थाउजेंड ही है, मैं डैश डैश लगा देता हूँ, और यहाँ भी थाउजेंड ही होगा कि 1 10 100 1000 है ना। उसके बाद यहाँ जो होगा दोस्तों, 0 × 1000 करेंगे तो 0 ही रह जाएगा, ये दूसरा नंबर बन गया। ये डैश मतलब यही लिखना है, सेम टू सेम आप पूरा लिखिएगा। सी नंबर, यहाँ देखिए पीरियड जो होता है यहाँ से यहाँ वंस होता है, तो ONES, लेकिन प्लेस जो होता है 1 10, ये 10 है ना। अब यहाँ 8 × 10, तो 8 10 जा 80 प्लेस वैल्यू हो जाएगा। अगला इसको बढ़ाते जाते हैं दोस्तों, आप स्केल से खींच लीजिएगा अच्छा रहेगा। सी के बाद डी, यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ वंस, यहाँ थाउजेंड, यहाँ लैक, ये लैक है, LAKHS, और ये इसका थाउजेंड भी प्लेस भी लैक ही हो जाएगा, LAKHS, जैसे 1 10 100 1000 10000 लैक। अब 4 × लैक, तो 4 लाख, ये आपको ज़्यादा अगर दिक्कत हो तो यहाँ 0 गिन लीजिएगा, नंबर गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5, तो 5 0 हम लोग बैठा देते हैं, है ना। ये हो गया क्या हम लोग का प्लेस वैल्यू, तो डी बता दिए। ई वो नंबर बता रहा हूँ, यहाँ देखिए ये यहाँ से यहाँ वंस होता है, यहाँ थाउजेंड, यहाँ लैक, तो यहाँ वंस में है, तो ONES, और ये हो जाएगा प्लेस हो जाएगा क्या, तो 1 10, तो 10 हो जाएगा, TENS, और जो 2 × 10, तो 2 10 जा 20, ये प्लेस वैल्यू। इसके बाद एफ नंबर में, यहाँ से यहाँ वंस है, यहाँ से यहाँ थाउजेंड, तो थाउजेंड हो जाएगा, THOUSAND, थाउजेंड। लेकिन यहाँ देखिए थाउजेंड, 1 10 100 1000 10000, प्लेस में 10000 हो जाएगा, है ना, ध्यान रखना 10000 हो जाएगा, THOUSAND। अब 10 × 1000 करेंगे तो 10000 हो जाएगा, है ना, या फिर 0 भी गिन के बढ़ा सकते हो, 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 है ना, तो 10000 ये हो गया हम लोग का। कितना नंबर, वन नंबर कंप्लीट, आगे बता रहे हैं। अगला है टू नंबर में क्या बोल रहा है, री राइट द फॉलोइंग
इन असेंडिंग ऑर्डर। दोस्तों असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा लिखना है। तो यहाँ देखिए हम लोग को छोटा से बड़ा पहले देख लिया, कितना है 4 लाख, यहाँ है 43,000, यहाँ भी 4 लाख है, यहाँ 4 लाख है। तो इसका मतलब असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा, तो यहाँ 43,000 ये छोटा है, बाकी सब मतलब लाख है। तो पहले इसी को लिख लेते हैं, ये नंबर बता रहा हूँ 43,865। इसके बाद अब 4 लाख यहाँ भी है तो पता नहीं चला, यहाँ 83,000, यहाँ 38,000, यहाँ 38,000, इसका मतलब ये बड़ा है, ये दोनों कोई होगा है ना। 4 लाख यहाँ भी है तो 83,000 पता नहीं चला, यहाँ 600, यहाँ 800, इसका मतलब ये छोटा है। 4,38,654, यहाँ है 4,38,854, उसके बाद सबसे लास्ट में यही होगा 4 लाख। दोस्तों एक नंबर ये है, एक ये है, एक ये है, उसके बाद है, क्योंकि यहाँ ये कोमा मिक्स हो रहा है इसलिए ऐसा किए, 4,83,000 है और 654, ये हो गया वन नंबर। नेक्स्ट है बी नंबर 91,000, यहाँ 9 लाख, यहाँ 9 लाख, यहाँ नाइन, तो ये छोटा है ना। अगला है 9 लाख, पता नहीं चला, तो यहाँ 9,10,000 है या 19,000 या 14,000, सबसे छोटा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, 9,10,849। दोस्तों यहाँ जब पता चल जाए, इधर पढ़ने का जरूरत नहीं है, अगर 9 लाख और यहाँ 19,000 यहीं से पता चल गया तो आगे इधर चेक करने का जरूरत नहीं है। दूसरा नंबर ये है, उसको 9,14,000, ये तीसरा नंबर है 9,19,098, ये चौथा नंबर। अगला है दो ही होता। नेक्स्ट है 3 नंबर में, राइट द नंबर नेम फॉर द फॉलोइंग न्यूमेरल, नेम लिखना है। तो 3 का ये नंबर कितना है 53,701। तो चलिए लिखते हैं FIFTY 50TH3TH0USAND 1000SEVEN7HUNDRED 100ONE1। अगला है बी नंबर 91,000, तो 91,000 NINETY ONE1 THOUSAND 1000 एंड 1001 सिर्फ है। उसके बाद सी नंबर में 8 लाख है EIGHT 8LAKH 8 लैक्स, उसके बाद 8,000, दोस्तों 80 नहीं है, 8 है EIGHT 8,000 THOUSAND, उसके बाद है 800 HUN, अब दोस्तों एक ही लाइन में लिखिएगा HUNDRED 100 EIGHT, बोल रहे हैं इसलिए, जो कि स्पेल नहीं पढ़ पाइएगा तो हम बोल रहे हैं उससे आप सुन सकते हैं। उसके बाद है यहाँ से लिखते हैं, एक ही लाइन में बैठ जाएगा, डी नंबर में 4 लाख, फोर लैख 40,000 FORTY 40THOUSAND 400 FOUR 400 4 FOUR। डी के बाद ई नंबर 9 लाख 9,09,000 सिर्फ है, बहुत छोटा है लेकिन देखने में बहुत बड़ा है, 9,09,000। उसके बाद ये फिर होगा कितना 6 लाख, एफ नंबर में 6,08,300 THRW 3 HUN 116, हो गया। उसके बाद 4 नंबर,
राइट द फॉलोइंग नंबर, ये तो बता दिया थ्री। फोर नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स, द स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर। दोस्तों जब भी स्मॉलेस्ट बोलेगा ना तो वन लिख के फाइव डिजिट बनाना है तो 40 दे देते हैं, अगर सिक्स बोलता तो फाइव डिजिट 50 देते, मतलब जितना वन लिख के जितना जीरो बच रहा उतना जीरो आपको गिन के बढ़ा देना। बी नंबर में है ना, द सक्सेसर ऑफ 99,000, सक्सेसर मतलब एक बढ़ाते हैं, एक बढ़ाते हैं तो 99,999 में एक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9+1 10 का जीरो कैरी वन, 9+1 10 का जीरो कैरी वन, मतलब यहाँ देख लीजिए हम लोग ऐड कर लेते हैं, 9 1 10 का जीरो, 9 1 10 का जीरो, 9 1 10 फिर 9 1 10 का जीरो, 9 1 10 का जीरो, 1 इतना हो जाएगा तो 1 लाख हो जाएगा ये आंसर। दिक्कत कैसे हुआ पता चला, सक्सेसर मतलब बढ़ाते हैं और प्रीडिसेसर मतलब घटाते हैं, शायद आगे हो सकता है प्रीडिसेसर वाला भी क्वेश्चन। सी नंबर, द न्यूमेरल 4,4,04, तो न्यूमेरल लिखना है 4 लाख, तो 4 लिख के कोमा दे दिए, 4,04,04 डायरेक्ट है, इसका मतलब 1,000 खाली है, 10,000, 1,000 भी खाली है, 100 भी खाली है, 10 भी खाली है, 4 लिखा हुआ डायरेक्ट है ना, ऐसे भर देंगे। डी नंबर में 1 लाख, दोस्तों 1,10,000, तो 1 लाख पहले लिखते कैसे हैं, तो 1 लाख ये है, ये 1 लाख लिख दिए ना, अब हम लोग को 1,000 छाट के हटाना, तो इसमें 1 लाख कितना होगा, 1,000, इसका मतलब ये देखिए ऐसा लिख सकते हैं ना, 3 0 यहाँ और 2 0 यहाँ, 5 0 यहाँ, 5 0 था, तो 1 लाख कितना, 1,000 अगर हम लोग छाटेंगे तो 100 बच रहा है ना, तो 1 लाख इक्वल टू 100,000, इसका तीन नंबर का आंसर क्या होगा, तो 100 होगा। दिक्कत एक तरह से ऐसा भी बना सकते हैं, एक और तरह से बताते हैं, 1 लाख लिख दिए, इधर से छाटेंगे 1, 10, 100, 1,000, 2 0 बचा, 2 0 आंसर, देखिए है ना, दो तरह से बता दिए आपको। अगला ये करना है, ये क्या करना है, तो ये सॉर्ट करना है। देखिए वंस में है, पहले ये देखिए क्या करते हैं, ऐड करना बढ़िया से आपको, तो यहाँ देखिए 3 लाख 3 लिख दिए, यहाँ देखिए 10,000 यहाँ नहीं है, तो 10,000 का जीरो दे दिए, 1,000 में है 8,000 लिख दिए, उसके बाद है 10s में नहीं है, 100 में नहीं है तो 100 जीरो, 10s में 5 है, 5 लिख दिए, और वंस में 1 है, तो ये हो गया 3,08,000 51 है ना। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्त के साथ शेयर भी कीजिएगा, दोस्तों इस प्रश्न का सलाह कमेंट जरूर कीजिएगा, थैंक यू, मिलते हैं रिव्यू, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, इसी भी लाइव में आपका स्वागत है, मैं क्लास 5 यूनिट 1 का वर्कशीट 1 बता रहा हूँ, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इससे पहले मैं रिव्यू वर्कशीट बता चुके हैं, वो भी देख लीजिएगा। राइट द नेम नंबर नेम फॉर द फॉलोइंग न्यूमेरल यूजिंग कोमा बिटवीन पीरियड, आल्सो रीड देम अलाउड। दोस्तों इसमें तीन चीज़ करने बोला है, सबसे पहले राइट द न्यूमेरल नेम लिखना है, उसके बाद उसमें क्या करना है, कोमा लगाना है पीरियड के बीच में, और उसके बाद जोर से पढ़ने भी बोल रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं, सब कुछ मैं बता रहा हूँ। नंबर 1 का ए, पहला है 4,9,3,5,0,8,7, कोमा जो पीरियड के बीच में लगाना है, तो 1,2,3 यहाँ कोमा होगा, फिर 1,2 यहाँ होगा है ना, इसका मतलब ये है 49,35,087, तो चलिए यही लिखना है जो हम बोले, तो पहला है 49 लाख, थर्टी फाइव थाउजेंड, उसके बाद है 87, है ना, हो गया पहला, उसके बाद बी, उसके बाद है 9,30,00,432, 1,2,3 यहाँ कोमा लगेगा, 1,2 यहाँ है ना, तो इसका हो जाएगा 93,04,32, 93 लाख, 93,03,93 लाख हो गया, 0,0 तो नहीं लिखेंगे, 400
23 टी डब्ल्यू ई एन टी वाई 20 टू ट्वेंटी सॉरी 432 है, टी एच आई आर टी वाई 32। उसके बाद सी नंबर 7080201, कोमा लगाएंगे यहाँ होगा और यहाँ होगा, इसमें 70 लाख, तो 70 लाख हो जाएगा। एट्टी थाउजेंड ए जी एस टी वाई 80 टी एच ओ यू एस ए एन डी 1000 200 वन, इस तरह से है दोस्तों। यहाँ सारा ऐसा ही है, लिखेंगे तो इसी में मुझे लगता है आधा घंटा हो जाएगा, मैं इसका बता देता हूँ। तो इसमें कोमा यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, तो इसका हो जाएगा 10,000 10,11,001, इसमें कोमा यहाँ लगेगा, इस 90,05,90,05,430, इसमें कोमा यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, तो 63,58,004, इसमें 1 2 3 यहाँ कोमा लगेगा, यहाँ लगेगा, तो था 71,83,010, इसमें कोमा यहाँ और यहाँ, तो 99,99,999, कोमा यहाँ लगेगा और यहाँ लगेगा, तो 90,90,009, इसमें कोमा यहाँ लगेगा, यहाँ 49,04,078, यहाँ लगेगा और यहाँ लगेगा 35,20,179, इसमें कोमा यहाँ लगेगा और एक बार यहाँ लगेगा, तो 22,050 खाली हो जाए, हो गया। अब यहाँ से दोस्तों इधर फिर सारा बताऊँगा मैं, उसका सेम टू सेम था इसलिए मैं स्किप कर दिया। कंप्लीट द टेबल बाय राइटिंग द पीरियड प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द इनसर्कल डिजिट, फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, पहला दिया हुआ। दोस्तों एक चीज़ देख लीजिए, पहला यहाँ पीरियड बोला था, पीरियड जो होता है ये होता है जो कॉमा लगाते हैं, पीरियड एक इंटरनेशनल पीरियड होता है, एक नेशनल वाला पीरियड, तो दोनों में अंतर ये है कि नेशनल वाला में पहला 3 जीरो के बाद लगता है कॉमा, उसके बाद दो, उसके बाद दो, उसके बाद दो, और इंटरनेशनल वाला में तीन तीन सब में तीन वाला तीन वाला तीन वाला तीन वाला भी देखे होंगे आप कहीं कहीं, तो वो इंटरनेशनल पीरियड होता है ना, तो ये नेशनल वाला है। तो पीरियड कभी कभी प्लेस और पीरियड सेम भी आ सकता है, अलग अलग भी आ सकता है, क्यों? क्योंकि ये तीनों को यहाँ से यहाँ तक एक ही पीरियड होता है जिसको वंस कहते हैं, उसके बाद यहाँ थाउजेंड होता है, यहाँ लाख होता है, लेकिन प्लेस में ये वन, ये 10, ये 100, ये 1000, ये 10,000, ये लाख, ये 10 लाख, इस तरह से। तो ये वाला जो है ये पीरियड जो है यहाँ से यहाँ वंस, ये टेंस, ये यहाँ से यहाँ वंस, ये 1000, ये लाख, तो लाख पीरियड है, लेकिन प्लेस में 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000 है, इसलिए 10 लाख है। और प्लेस वैल्यू जो होगा 7 × 7 × 10 लाख, तो 7×10=70 लाख हो जाएगा, या ऐसे भी कर सकते हैं 7 के बाद जितना संख्या है जीरो बैठाना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब जो नंबर निकालना है उसके बाद जितना संख्या उतना जीरो भर दो, या वैसे भी नहीं कर सकते हो तो 7, यहाँ 7 है और 10 लाख इसका प्लेस है, तो 7 × 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 लाख आ जाएगा, है ना। तो चलिए यहाँ से इधर बता रहा हूँ, पहला तो बना हुआ है उसके बाद बता रहा हूँ। तो यहाँ जो हम लोग को निकालना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ पीरियड, पी ई आर आई ओ डी पीरियड, यहाँ लिख देता हूँ प्लेस, और यहाँ प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू प्लेस को है ना ई फेज वैल्यू से मल्टीप्लाई करके प्लेस वैल्यू आता है। आप दोस्तों बुक में उतारिएगा, क्योंकि मैं बुक में उतार नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ बी नंबर का। यहाँ देखिए बी नंबर में क्या है, यहाँ से यहाँ तो पीरियड जो लिख रहे हैं, यहाँ से यहाँ वंस होता है, यहाँ थाउजेंड होता है, तो यह हो जाएगा क्या, थाउजेंड टी एच ओ यू एस ए एन डी एस थाउजेंड्स, और यहाँ हो जाएगा कितना प्लेस में, तो 1000 10,000, यहाँ हो जाएगा 10,000 टी एच ओ यू एस ए एन डी, और दोस्तों हम लोग को ये प्लेस वैल्यू जो निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा कितना 10 × 1000, तो 4 × 10,000, तो 40,000, या ऐसे भी 4 के बाद 1 2 3 4, तो 4 हो गया। सी नंबर
सी नंबर में है, यहां पे है दोस्तों, तो ये पीरियड में हो जाएगा वंस, और प्लेस में भी हो जाएगा वंस, और 9 × 1 करेंगे तो 9 × 1 = 9 हो जाएगा सीधा। उसके बाद डी नंबर, डी नंबर में देखिए यहां से यहां वंस ही है, लेकिन ये प्लेस में 1 × 10 = 100 हो जाएगा। सॉरी यहाँ भरना था वंस, ONES, यहाँ पीरियड लिख रहे हैं, यहाँ 100 हो जाएगा, HUNDRED 100, और यहाँ 4 × 100 करेंगे तो हो जाएगा 400। दोस्तों यहाँ मिस हुआ था, पीरियड यहाँ है, प्लेस यहाँ है, प्लेस वैल्यू इधर। अगला ई नंबर, तो ये जो है फिर पीरियड हो जाएगा कितना, यहाँ वंस है या 1000, तो 1000 TH OUS ANDED 1000, और यहाँ प्लेस जो हो जाएगा यहाँ 1 × 10 = 100 1000 × 10000, तो 10000। और दोस्तों 8 × 10000 करेंगे तो हो जाएगा 80000, है ना। अगला एफ नंबर को थोड़ा मोड़ लेते हैं, एफ नंबर में 4, यहाँ क्या है, यहाँ से यहाँ वंस, ये 1000, लैक, तो लैक है, और यहाँ भी हो जाएगा लैक, और 4 × लैक करेंगे तो 4 लैक हो जाएगा, है ना। अगला एफ के बाद जी नंबर, यहाँ देखिए कितना तक है, एस तक है, तो यहाँ से यहाँ वंस, ये 1000, तो यहाँ हो जाएगा 1000 TH OUS AND D, यहाँ भी हो जाएगा 1000 TH OUS AND D। दोस्तों यहाँ वाला सेम होता है, कभी कभी अलग भी होगा, है ना, है ना, बहुत सारे जगह अलग होगा, बाय मिस्टेक कहीं कहीं सेम भी हो रहा है। तो और यहाँ 8 × 1000 करेंगे तो 8000। अगला एच नंबर में, यहाँ हो जाएगा वंस, यहाँ यहाँ होता है 1000, यहाँ लैक, तो लैक है, और यहाँ हो जाएगा 1 × 10 = 100, 1000 × 10000 = 10 लैक, 10 लाख हो जाएगा। देखिए अलग हो रहा ना, फिर यहाँ, और यहाँ हो जाएगा 10 1 × 10 लाख, तो हो जाएगा 10 लाख, ये होगा, इतना हो गया। अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 3 नंबर का, राइट द न्यूमेरल यूजिंग कोमा बिटवीन द पीरियड। दोस्तों लिखना है इसमें न्यूमेरल, यहाँ है 81 81 लाख, तो 81 लाख कोमा भी लगाना है, क्योंकि बिटवीन पीरियड, तो कोमा लगाते जा रहे हैं हम। 81 लाख, 6000 6000 है, तो इसका मतलब 10000 खाली है इसमें, तो 06 6000 बन गया। उसके बाद है 296 296, कोमा भी लग गया, है ना। नेक्स्ट है, सॉरी दोस्तों, 81 लाख 81 लाख 6 36 है, सॉरी यहाँ यहाँ 6 खड़े पर लिए, 36 है, तो यहाँ 36 कर देते हैं, 36296। अगर यहाँ 6000 खाली रहता तो यहाँ 0 भरते इधर, है ना, यहाँ, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके बाद बी नंबर में, बी नंबर में है 34 34 लाख, तो 34 लाख, उसके बाद है 17000 17000 102, तो 110 वाला खाली है, 2 दिया हुआ है ना, जो जो खाली है उसमें 0 भर देंगे, बस हो गया। अगला सी नंबर में, 7 लाख 7 लाख 8000, इसका मतलब यहाँ देखिए 10000 खाली है, तो 08। उसके बाद है 905 900, यहाँ भी 10 खाली है, तो 5 दिया हुआ, लेकिन समझ में आया। उसके बाद है डी नंबर, 4 लाख 89000 89905 905, ये है दोस्तों, यहाँ 40 लाख है ना, 40 लाख कर देते हैं, 40 लाख 40 लाख 89000 89900, और क्योंकि 10 वाला खाली है इसलिए 10 में 0 भर गया, 5 आगे देखते हैं।
उसके बाद है ई नंबर में 93 लाख, तो 93,06,006,006 बोला है, तो 100 खाली है, 10 खाली है, 6। तो मैं नेक्स्ट है ई के बाद एफ, 38,013 है, तो इसको 100 खाली है, 13। एफ के बाद जी, 63,60,000 फिर बोला था, इसको 100 खाली है, 60। अगला एच, 20,02, तो 20,02 बोला है, तो 1,000, 10,000 खाली, 1,000 खाली, 100 खाली, 10 खाली, 2 भरा हुआ है ना, तो इस तरह से होगा। अगला है और कितना है एच के बाद आई जे है, तो आई नंबर हो जाएगा यहाँ 13,06,005, 100 खाली है, 10 खाली है और 5 ना हो जाएगा। उसके बाद आई के बाद जे, 48,90,300, तो 300 हो गया। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों इस प्रश्न कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 5 यूनिट 1 का वर्कशीट 2 बता रहा हूँ, चलिए शुरू करते हैं। राइट डाउन द पीरियड एंड कोरस्पोंडिंग प्लेस ऑफ एन 8-डिजिट नंबर। दोस्तों 8-डिजिट नंबर में, जैसे 8-डिजिट में क्या क्या आएगा, तो 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 10,000,000, 10,000,000, 10,000,000 आएगा। तो हम लोग को प्लेस और पीरियड दोनों बताना है, तो दोनों में चलिए सब नंबर 1 का बता रहा हूँ। पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या पीरियड, तो पीरियड में हो जाएगा PERIOD, पीरियड, और इधर लिख लेते हैं प्लेस। तो दोस्तों पीरियड और प्लेस में क्या अंतर है, यहाँ देखिए एक एक करके बताते जाता हूँ। जैसे 1, 10, 100 पढ़ते हैं हम लोग, वैसा ही है। तो सबसे पहले हम लोग पीरियड में देख लेते हैं वंस, तो ONES। वंस पीरियड में कौन कौन होते हैं, तो 3 होते हैं। एक होते हैं प्लेस ONE, TEN 10, उसके बाद HUNDRED 100। वंस पीरियड में 1, 10, 100 होते हैं। वंस पीरियड के बाद डायरेक्ट होता है 1000 पीरियड, THOUSAND। 1000 पीरियड में 1000 और 10,000 होते हैं, 1000 और 10,000। उसके बाद होते हैं लैक, है ना, लैक्स, यहाँ लगा सकते हैं दोस्तों एस भी, लैक्स में वैसा ही होते हैं लैक और 10 लाख और 10 लाख, 10 लाख LAKHS। उसके बाद होते हैं, क्योंकि हम लोग अभी उतना नहीं आया, करोड़ में हो जाएगा कितना, करोड़ में वैसा ही करोड़, CROREES, करोड़, और 10 करोड़ देंगे तो ये 9 डिजिट तक चले जाएगा। हम लोग को 8 डिजिट तक ही है, तो इतना ही ठीक है। दोस्तों इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, तो ये वाला ऊपर, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं सीरियल वाइज लिखा हूँ। ये और थोड़ा सा डीपली बता देता हूँ, आप ऐसा पढ़े होंगे, जैसे यहाँ कुछ नंबर मैं ले लेता हूँ 8 डिजिट का, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और यहाँ दे देता हूँ 8 डिजिट का, तो यहाँ कोमा लगाएंगे, यहाँ कोमा लगाएंगे, यहाँ, तो 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000 करोड़। ये प्लेस बोले है ना, 1,10,000 जो बोले अभी,
और पीरियड क्या होता है, जैसे 3 अंक के बाद कोमा लगाते हैं, फिर दो नेशनल वाला में, तो यही है। यहाँ से यहाँ वंस बोलते हैं पीरियड, ये बोलते हैं ये थाउजेंड, ये बोलते हैं लैक, ये करोड़, क्योंकि 8 डिजिट तक ही लेना था, इसलिए हम लोग और नहीं लिए, यहाँ 10 करोड़ नहीं लिखे। समझ में आया होगा। आगे रीड अलाउड द फॉलोइंग न्यूमरल्स एंड राइट आल्सो राइट देयर नंबर नेम। दोस्तों तो इसको पढ़ के लिखना है, तो यहाँ देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, लैक, 10 लाख, करोड़, 4 करोड़, 86,29,130, 183। इसी को अब लिखना है, पढ़ना है जोर से और फिर लिखना भी है। तो चलिए लिख के दिखा रहा हूँ। नंबर 2 का ए नंबर कितना है दोस्तों, तो 4 पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 29,183, तो हो जाएगा 4 करोड़ 4 करोड़, CROREs, 4 करोड़, उसके बाद है 86 लैक्स 29,000 TWENTY, 29, यहाँ लिख देता हूँ, TOUSAND, 29,183। है ना, पहला हो गया। अब बी नंबर में है 2,60,15,354। अब इसी को लिखना है, लॉर्ड से पढ़ना भी है, तो ये लिख लेते हैं 2,60,15,000, IFT, 15,354। अगला सी नंबर दोस्तों, सारा ऐसा ही है। सी नंबर उतारता हूँ, 7,98,00,000, 71,010 है ना, जीरो का नहीं लिखेंगे, तो 7,98,98, EIGHT, 8,71,000, 10 है ना दोस्तों। ये सारा लिखेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, सारा इसी फैसिलिटी से है ना, सारा सेम टू सेम बनेगा। ऐसे मैं सारा बोल देता हूँ, 2,05,31,229, 9,71,318, 8,70,1,100, 5,10,700, 6,06,000, ये तो बहुत छोटा, 6,06,00,000 ही लिखा जाएगा, 4,58,79,515, 2,09,85,742, 9,83,43,2001, 4,43,21,056। ये जो लाउड पढ़ने बोला है मैं पढ़ दिया सारा। अगला है, इधर सारा बताऊंगा, 3 नंबर, राइट डाउन द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, 8 डिजिट लिखना है, तो पहले हम लोग स्मॉलेस्ट 8 डिजिट लिख देते हैं, स्मॉलेस्ट डिजिट्स नंबर। ध्यान रखना दोस्तों, जब स्मॉलेस्ट बोलेगा ना, एगो वन देंगे, क्योंकि 8 डिजिट बनाना है, तो 7,0 देना पड़ेगा, है ना, ये बन गया स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। तो कितना हुआ,
यहाँ कोमा लगेगा 1 10 100 1000 10000 lakh 10 lakh crore 1 crore है ना। अगला है, अगर फिर ग्रेटेस्ट बनाना है तो ग्रेटेस्ट 8 digits नंबर, यहाँ देखिए जब ग्रेटेस्ट लिखना है जितना डिजिट उतना 9 भर देंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो ये 9,99,99,999 ये हो गया ग्रेटेस्ट। ध्यान रखना दोस्तों, जितना ग्रेटेस्ट बोला उतना 9 और जितना स्मॉलेस्ट बोलेगा उतना नंबर तो भरेंगे, लेकिन 1 देके जितना बचा हुआ है वो 0 भरेंगे। कोई भी पेरेंट्स अगर सुन रहे हैं, अगर आपको लग रहा है ये लड़का मेरे बच्चों के लिए खूब हेल्प करता है, तो आप मुझे इकोनॉमिक हेल्प कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड दिया हुआ है, आप मुझे हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू। आगे है 4 नंबर, राइट द न्यूमरल्स यूजिंग कोमा बिटवीन पीरियड। दोस्तों इसका न्यूमरल लिखना है इस तरह से और कोमा भी लगाना है, तो चलिए बता रहा हूँ। सबसे पहला है 5 crore, तो 5 लिख के करोड़। 30 लाख, तो 30 लाख जिसका नहीं दिया हुआ 0 भरेंगे। 16,000, तो 16,000, 19 खाली बोला है, जिसका मतलब 1000 के बाद 100 खाली है, 19 बोला है ना, इस तरह से हो गया बी नंबर। 3 crore, कोमा भी लगा रहे हैं क्योंकि कोमा लगाना है। 1 lakh, 3 crore 1 lakh, तो 1 lakh मतलब 0 1, 10 lakh वाला खाली है इसलिए 0 1 भरे। 47,000, तो 47,200 हो गया। नेक्स्ट सी नंबर, 1 crore 1 crore 15,000, 15,000 900 900, उसके बाद है 63, 1 crore 15,000। दोस्तों यहाँ देखिए 1 crore 5 lakh वाला टर्म नहीं है, तो लाख वाला की जगह 0 0 पहले भर देना पड़ेगा। 1 crore 15,000 बोला है डायरेक्ट, ये मैं फिर से यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ। सी नंबर, 1 crore 1 lakh वाला टर्म नहीं है, तो 10 lakh भी नहीं है, लाख भी नहीं, 2 0 भर दिए। 15,000, 15,963 इस तरह से होगा, है ना। आगे है जो टर्म नहीं है उसका 0 भर रहे हैं, डी नंबर। 2 crore 95 lakh, तो 95 lakh, उसके बाद 95 lakh 52,000, 52,276 ये हो गया। 2 crore 95 lakh 52,276 अगला बता रहे हैं। नेक्स्ट ई नंबर में है 9 crore 9, तो 9 crore 10 lakh भी खाली है, लैग भी खाली है, 10,000 खाली है, 1,000 खाली है, 100 खाली है, 10s खाली है, 9 लिखा हुआ है ना, इस तरह से लिखा जाएगा ये। अगला एफ नंबर में 6 crore 20,000, इसका मतलब 10 lakh खाली, लैग खाली, डायरेक्ट 20,000, 6 crore 20,000, 20 लिखा हुआ, इसका मतलब 100 भी खाली है, 20 है ना। 6 crore 20,000, 20 उसके बाद जी 1 crore 1 lakh, इसका मतलब 10 lakh खाली है, तो 0 1, 1,000, इसका मतलब 10,000 खाली है, तो 0 फिर 1 1 लिखा, तो 0 0 1, क्योंकि 10s भी नहीं है, 100 भी नहीं, 10s भी नहीं। अगला है ढेरी है जी के बाद एच, 4 crore 4 crore 40 lakh, 4 crore 40 lakh, 4,000, इसका मतलब 10,000 खाली है, 4 14, 100 खाली है, 14
4 करोड़ 40 लाख 400, सॉरी थाउजेंड में नहीं है, तो 400,000 10,000 दोनों खाली है, 400 है, तो 440 यहाँ 4 होगा। आई नंबर 8 करोड़ के बाद 13 लाख, 5 डायरेक्ट लिखा है, इसका मतलब 10,000 खाली, 1,000 खाली, 100 खाली, 10 खाली, 5 है ना, इस तरह से होगा। आगे है लास्ट नंबर जे, तो जे नंबर बता रहा हूँ, 1 करोड़ 32 लाख, तो 32 लाख 19 है, तो 1,000 खाली, 10,000 खाली, 1,000 खाली, 100 खाली, उसके बाद यहाँ है 19, तो 19 है डायरेक्ट। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों एक्सपर्ट क्लास का लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 5 यूनिट चैप्टर 1 का यानी यूनिट 1 का वर्कशीट 3 बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। राइट द नंबर नेम फॉर द फॉलोइंग न्यूमरल्स, इसका नाम लिखना है। कितना है, 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 10,000, 10,000,000, 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 10,000
फाइव, यही लिखना है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन का ए नंबर पहले क्वेश्चन उतार देते हैं। तो 41 करोड़, फोर्टी वन करोड़ CROI, 26 26 लैक 81,000 500 फाइव है ना। अगला बता रहे, बी नंबर पहले इसको उतार लेते। 80 करोड़ 8 लाख 80,000 इतना है। तो इसमें 80 करोड़ 8 लाख 80,000 है ना, इतना ही है क्योंकि 00 नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद है सी नंबर दोस्तों, ये 80,000 8 0 बी नंबर बनाया, उसके बाद सी नंबर। मैं एक और बना देता हूँ इधर नीचे का, क्योंकि सारा सेम टू सेम है। तो एक कोई मैं नीचे बना देता हूँ कोई भी, चलो डी नंबर ही बनाता हूँ दोस्तों। डी नंबर बनाना देखिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सारा सेम है तो इसलिए सारा एक ही तरह से बनेगा। ये कितना है, 94 करोड़ 23 लाख। उसके बाद यहाँ 00 तो नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट 841 FORTY इतना होगा दोस्तों, सारा सेम बनेगा। अगला बता रहे हैं, नेक्स्ट कंप्लीट द टेबल
ये पूरे बताऊंगा, इधर सारा, इधर छोड़ने वाला उत्तर नहीं है। बाय रिटेन राइटिंग द पीरियड प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द इंसर्गल डिजिट एंड फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। यहाँ देखिए दोस्तों, ये मैं एक होता है पीरियड, एक होता प्लेस, दोनों में अंतर क्या है, जो प्लेस जो होता है ना, वन टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख टेन लैख करोड़ टेन करोड़ इस तरह से पढ़ते हैं। पीरियड में ऐसा क्या होता है, यहाँ से यहाँ पूरे वंस कहते हैं, इसको थाउजेंड, इसको लैख, इसको करोड़, है ना, डायरेक्ट, मतलब पीरियड में आपको टेन से हंड्रेड इसमें नहीं मिलेगा, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ वंस को कहते हैं, है ना। तो हम लोग इनसर्कल डिजिट तो यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ वंस, ये थाउजेंड, ये लैख, एक करोड़, तो पीरियड में हो गया करोड़, और प्लेस में वन टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख टेन लैख करोड़ टेन करोड़, तो टेन करोड़, और फोर इंटू टेन करोड़ करेंगे तो फोर्टी करोड़ हो जाएगा, दिक्कत। तो वैसे हम लोग बनाना है सारा। यहाँ हम लोग बी नंबर एन सर्कल डिजिट तो दिया हुआ, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पीरियड लिख लेते हैं, यहाँ प्लेस और यहाँ प्लेस वैल्यू। तो इन सर्कल डिजिट देखिए यहाँ है, यहाँ से यहाँ वंस बोलते हैं पीरियड में, ये थाउजेंड, ये लैख, तो पीरियड में हो जाएगा बी नंबर में लैख, क्योंकि ए बना हुआ है, लैक्स हो गया, और प्लेस में क्या हो जाएगा, वन टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख टेन लैख, तो यहाँ हो जाएगा टेन लैख। बाय मिस्टेक कभी कभी दोनों जगह सेम होगा, कभी कभी अलग भी होगा, टेन लैख, और हो जाएगा एट इंटू टेन लैख करेंगे तो डायरेक्ट एट्टी लैख हो जाएगा, दिक्कत। वन टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख टेन लैख एट्टी लैख, इसको हम लोग एट्टी लैख भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा। अगला उत्तर है सी नंबर में, इन सर्कल डिजिट यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ वंस, यहाँ से यहाँ थाउजेंड, यहाँ लैख, करोड़, तो हो जाएगा ये भी करोड़, करोड़, और यहाँ भी वन टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख टेन लैख करोड़ हो जाएगा यहाँ भी, और यहाँ दोस्तों टू इंटू करोड़ करेंगे तो टू करोड़ हो जाएगा, वन टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख टेन लैख करोड़। अगला डी नंबर, यहाँ इन सर्कल डिजिट है, यहाँ से यहाँ वंस, ये थाउजेंड, तो यहाँ थाउजेंड है, थाउजेंड में वन टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड में, टेन थाउजेंड, उसको टू इंटू टेन थाउजेंड करेंगे तो ट्वेंटी थाउजेंड हो जाएगा। और दूठो ई नंबर में, यहाँ पे है तो यहाँ से वंस, थाउजेंड, लैख, करोड़, फिर यहाँ करोड़ हो जाएगा, और सिक्स इंटू करोड़ करेंगे, पहले यहाँ तो टेन करोड़ हो जाएगा, और सिक्स इंटू टेन करोड़ करेंगे तो सिक्सटी करोड़ हो जाएगा। एक चीज़ और कर सकते हैं, जो संख्या है ना जिसके बाद जितना जितना संख्या होता है जीरो भर देना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो भी निकल लेगा, लेकिन हम तो वैसे कर रहे हैं सिक्स इंटू टेन करोड़ तो सिक्सटी करोड़, आप जितना संख्या है जो कलर के बाद उतना जीरो भर दीजिएगा, आ जाएगा सबका आंसर, एक्चुअल में वही है ये एफ नंबर में, यहाँ से यहाँ वंस, थाउजेंड, लैख, लैक्स में यहाँ भी हो जाएगा लैक्स, क्योंकि यहाँ वन टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख, तो टू इंटू लैख हो जाएगा टू लैख, वन टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख टू लैख। ओके नेक्स्ट है, अब राइट द न्यूमरल्स यूजिंग कोमा बिटवीन पीरियड, इसका नाम लिखना है, न्यूमरल लिखना है, तो चलिए ये कैसे करेंगे बता रहा हूँ। थ्री नंबर का ए नंबर बता रहा हूँ, जिसका दिया हुआ उसको भरेंगे, जो नहीं दिया उसके लिए जीरो भरेंगे। देखिए कैसे बनाते हैं, सिक्सटी वन करोड़, तो सिक्सटी वन करोड़ लगा दिए कोमा, यहाँ तक हो गया, थर्टीन लैख, थर्टीन लैख कोमा लगा दिए, उसके बाद थर्टीन लैख के बाद फोर्टी एट थाउजेंड, फोर्टी एट थाउजेंड नाइन हंड्रेड, तो नाइन हंड्रेड बन गया फुल, है ना, सिक्सटी वन लैख थर्टीन थाउजेंड थर्टीन सिक्सटी वन करोड़ थर्टीन लैख फोर्टी एट थाउजेंड नाइन हंड्रेड। बी नंबर में एलेवन करोड़, एलेवन करोड़, एलेवन करोड़ के बाद आ जाएगा
36,000। दोस्तों यहाँ देखिए 11 करोड़ के बाद 36,000 दिया हुआ, इसका मतलब लैक नहीं दिया हुआ था, लैक वाला टर्म में जीरो भर दी, 10 लैक और लैक डायरेक्ट दिया हुआ है कितना 36, तो 36,016, इसका मतलब 100 में भी नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट 16 दिया हुआ, 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 crore, 11 crore, 36,000 और 16। सी नंबर में 19 crore 3 lakh, तो क्योंकि 10 लाख टर्म नहीं दिया तो 0, 3, 3 lakh, 700, 10,000 भी नहीं दिया हुआ है, 1,000 भी नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट 700 बन दिया हुआ, तो 700 टेंस वाला टर्म नहीं है, तो यहाँ टेंस वाला टर्म के जीरो और यहाँ वन लिख दिए, है ना, जो टर्म नहीं दिया उसके लिए जीरो भर रहे हैं। उसके बाद डी नंबर 50 crore 49 lakh, तो यहाँ भी 49,35,000, 10 दिया हुआ, 100 टर्म नहीं दिया तो डायरेक्ट जीरो। अगला डी नंबर ई नंबर 80 crore 10 lakh नहीं दिया हुआ है, लाख नहीं दिया हुआ, 1,000, 10,000 नहीं दिया हुआ, 1,000 नहीं दिया हुआ, उसके बाद 8 दिया हुआ, तो 100 नहीं दिया हुआ, 10 नहीं दिया हुआ, 8, जो जो टर्म नहीं दिया उसका जीरो भर दें। उसके बाद एफ नंबर 35 crore 1 lakh, तो 0, 1 lakh, 1,000, तो 0, 1, क्योंकि 10 वाला टर्म यहाँ भी नहीं दिया और 10 वाला टर्म यहाँ भी, 10 लाख यहाँ नहीं दिया हुआ, 10,000 यहाँ भी नहीं दिया, 1 दिया हुआ था, इसका मतलब 100 टर्म नहीं है, 10 से भी नहीं है, 1, 35 crore 1 lakh 1,000, 1। अगला इसके बाद जी नंबर कितना है 21 crore 30 lakh 700, इसका मतलब 10,000 नहीं है, 1,000 नहीं है, 700 है, 9, तो 10 नहीं है, डायरेक्ट 9 है। एच नंबर में कोई भी पेरेंट्स अगर सुन रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये लड़का मेरे बच्चों के लिए बहुत हेल्प कर रहा है, तो आप मुझे इकोनॉमिक हेल्प कर सकते हैं, मेरा इस डिस्क्रिप्शन में बैंक अकाउंट और एफ सी कोड दिया हुआ है, वहाँ से हेल्प कर सकते हैं, थैंक यू। एच नंबर में 14 crore 1 lakh, तो 10 lakh नहीं है, डायरेक्ट 1 lakh है, और 2 दिया हुआ, 10,000 नहीं है, 1,000 नहीं है, 100 नहीं है, 10s नहीं है, 2 है, इतना होगा, है ना। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों एक्सपीरियंस कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, थैंक यू, मिलते हैं तब तक के लिए, बाय। हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 5 यूनिट 1 का वर्कशीट 4 बता रहा हूँ, चलिए शुरू करते हैं। रीराइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स यूजिंग कोमा इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द न्यूमरेशन एंड देन रीड देम अलाउड। दोस्तों इसमें इंटरनेशनल कोमा लगाना है। एक्चुअल में नेशनल और इंटरनेशनल कोमा क्या होता है, मैं दोनों एक साथ यहाँ बता देता हूँ। जैसे कोई भी नंबर लिखेंगे, जैसे यही नंबर यहाँ बता रहा हूँ, सी वाला 9786431, इसी को फिर से लिख लेते हैं 9786431। नेशनल वाला में 1, 2, 3 यहाँ लगेगा कोमा, फिर 1, 2 यहाँ लगेगा, फिर 1, 2 यहाँ लगेगा। इंटरनेशनल वाला में 1, 2, 3 यहाँ लगेगा, 1, 2, 3 इसमें 3, 3 में लगता है। अब पढ़ेंगे कैसे, 1, 10, 100, 1,000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 9 crore, 78 lakh, 64,351। ये नेशनल वाला हम लोग को, लेकिन यहाँ पढ़ना है इंटरनेशनल वाला। ये कैसे पढ़ेंगे, 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 97,864,351, इस तरह से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ तो सिर्फ कोमा लगाना है, ए नंबर 1 का बता रहा हूँ, तो 4, 9, 3, 1, 8, 2, तो कोमा लगाना, तो 1, 2, 3 यहाँ होगा और यहाँ तो 3 ही है, तो नहीं होगा, इधर हो जाएगा। इसमें कितना आ जाएगा, 493,182, है ना, ये हो जाएगा।
नेक्स्ट है बी नंबर, 4897 52, तो यहाँ होगा कोमा, उसके बाद 1 2 3 यहाँ होगा कोमा, 10,489,752। सी नंबर में हो जाएगा 9786 4351 4351, यहाँ हो जाएगा कोमा, उसके बाद यहाँ हो जाएगा 97,864,351। डी नंबर में पहले 9 है, 9870105, यहाँ हो जाएगा कोमा, यहाँ हो जाएगा 98,700,105। उसके बाद ई नंबर में 12560519, कोमा यहाँ लगेगा, उसके बाद यहाँ लगेगा, उसके बाद यहाँ, तो 125,605,189। अगला एफ नंबर में 6701572 13, कोमा यहाँ लगेगा, उसके बाद यहाँ लगेगा, 670,157,213। सारा हो गया। राइट द न्यूमरल नेम फॉर द फॉलोइंग नंबर, इसका नाम लिखना है दोस्तों, अभी जो हम बोल रहे थे वही सब लिखना है। चलिए नंबर ए बता रहा हूँ, इसमें कोमा लगा हुआ है, 409,48,46, तो क्या है, 409,846, 800 HUN, 846, ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट है बी नंबर बता रहा हूँ, तो बी नंबर में है 6532956 1, तो यहाँ 65 पहले मिलियन लिखना पड़ेगा, 65,329,000 TOUSAND, थाउजेंड दोस्तों, उसके बाद यहाँ लिख देते हैं, ये पेज ख़त्म हो रहा है, 561 है ना, इसके बाद यहाँ लिखें 5HUNDR, 500SIX60ONE, दोस्तों इसके बाद यहाँ लिखें। अगला सी नंबर, 410,800,148, यहाँ का 410 million, FOUR, 410 million, 800,000, 800 यहाँ नीचे लिखता हूँ, TOUS 1000, 143, 143 है ना दोस्तों, ये सारा ऐसा ही है, मैं सारा बोल देता हूँ, नहीं तो लिखेंगे ना इसी में लगभग आधा घंटा वीडियो बर्बाद हो जाएगा। मैं सारा बता देता हूँ, 8,021,832 लिखना है इसमें,
550 मिलियन 930,816, 900,040,801, 271,804,010, 753,558,214, इस तरह से लिखा जाएगा। इधर मैं सारा बता देता हूँ, यहाँ से इधर सारा बताऊँगा। तो चलिए ये कैसे लिखेंगे देखिए, बहुत ही इजी मेथड में बता रहा हूँ दोस्तों। जिसका नाम लिखा हुआ है उसको तो लिखेंगे, जिसका नाम नहीं है उसके बदले में जीरो लिखेंगे, यही ध्यान रखना आपको। जो है तो उसके बदले में, जैसे यहाँ है 34 मिलियन, तो 34 मिलियन बोल दिया है, 34 मिलियन कोमा लगा दिए, मिलियन यहाँ तक खत्म हो गया। 203, पहले 203,000, तो 203 बोला है ना, 203 हो गया, 1000 कोमा लगा दिए। 501, तो 501 बस, बहुत ईजी। अगर इस तरह से लिखिएगा जिसका, जैसे यहाँ 203 क्यों लिखे, 200 अगर 43 बोलते तो 43 लिखते, इसलिए यहाँ, क्योंकि वो टेंस वाला टर्म बोला ही नहीं था यहाँ। अगला बी नंबर में 279 मिलियन, तो 279 मिलियन कोमा लगा दिए, यहाँ तक ख़त्म। 17 कितना मच्छर आता, 17,500, तो 17,000 खाली बोला है, 17,000, तो दोस्तों 100 ऐसा कुछ बोला नहीं है, 17,000 इसका मतलब 017,000 लगा दिए। अगर 170 बोलता तो यहाँ 1 भी देते, 17,000 हो गया। 500 उसके बाद है 17,000, 590 वाला प्लस में बोला है 90, तो 90 हो गया इस तरह से। अगला सी नंबर में 101 मिलियन, तो पहले 101 बना दिए, मिलियन में कोमा लगा दिए, यहाँ तक खत्म। 17,000 सिर्फ 17,590, 17,000, तो फिर यहाँ 0 17, 17,000 हो गया, 590, तो 590 उसी तरह से हो गया क्या, थोड़ा सा अंतर शुरू में। अगला बता रहे हैं, नेक्स्ट है डी नंबर में 18 मिलियन, तो 18,950,000, 950 बोला है, तो 950,000 कोमा लगा दिए। उसके बाद 8 बोला है, इसका 100 वाला टर्म खाली है, टेंस वाला टर्म खाली है, 8। ई नंबर में 900 मिलियन, तो 900 मिलियन कोमा लगा दिए। 9,000 इसका मतलब 10,000, 100 भी खाली है, टेंस भी खाली है, 9,000 लगा दिए। 9 बोला है तो 100 खाली, फिर टेंस खाली, 9 बोला, इस तरह से लिखेंगे दोस्तों। बहुत ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। एफ नंबर में ई एफ 440 मिलियन 14,400 पर लिख लेते हैं, तो 014 है ना, 14,440, तो 440 है ना, इस तरह से हो गया। अगर कोई भी पेरेंट्स सुन रहे हैं मेरा वीडियो को, तो अगर आपको लग रहा है कि मेरे बच्चे के लिए लड़का बहुत हेल्प करता है, तो आप मुझे फिनेंशियली हेल्प कर सकते हैं, इकोनॉमिकली, और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको बैंक अकाउंट और IFC कोड दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे हेल्प कर सकते हैं, थैंक यू। नेक्स्ट है एफ के बाद जी 903 मिलियन 500, तो 903 मिलियन पहले, तो 903 मिलियन में कोमा लगा दिए। 500 सिर्फ बोला, 1000, 100, 10s और 1s, ये 1000 वाला पूरा खाली है, इसलिए पूरा 3 जीरो लगाना पड़ा पहले, उसके बाद 500 खाली बोला
है ना, क्योंकि यहाँ जो टर्म खाली है उसके लिए यहाँ की 110, 100, 1000, 10000, 1000, 10000, 100000 ये पूरे खाली था, इसलिए 3 जीरो भरना पड़ा। अगला एच नंबर में 100 मिलियन, तो 100 मिलियन 15000, 15 तो 0 15000, 405 तो 405 ऐसा हो गया। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों एक्सपीरियंस का सलाह कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लास में पूर्ण नाम आपका स्वागत है। मैं क्लास 5 यूनिट 1 का ब्रेन टीजर बता रहा हूँ, चलिए शुरू करते हैं। पहला है टिक द करेक्ट आंसर, नंबर 1 का ए, ऑप्शन बता रहा हूँ नीचे में एक्सप्लेनेटर, बी सी डी ई ये तक है। द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन द नंबर, ये जो नंबर है इसका प्लेस वैल्यू 6 का बताना था। 1 6 यहाँ है ना, तो 1 10 100 1000 10000, तो 6 का क्या आ रहा है दोस्तों, 10000। तो 6 × 10000 करेंगे तो हो जाएगा कितना, 60000, लेकिन हम लोग को प्लेस वैल्यू बताना था इसलिए हो जाएगा 60000। तो 60000 यहाँ 1000 है या 10000 है या 60000 है या 600000, तो ये हो जाएगा थर्ड नंबर 60000। एक्चुअल में होगा कैसे मैं उसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। यहाँ 265431 इसका निकालना है ना, तो 6 है, 6 के बाद कितना संख्या है, 4 संख्या है, तो 4 को 0 बैठा दीजिए, 1 2 3 4। अब यहाँ लगाएंगे तो देखो 1 10 100 1000 10000, 60000 हो रहा है, ये 60000 आंसर मारे। अगला सारा का एक्सप्लेनेशन बताया जाएगा। बी नंबर में द डिफरेंट बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 and 4 इन द नंबर, ये जो नंबर दिया हुआ है 2 और 4 का डिफरेंस निकालना, तो 2 का कितना हो जाएगा, 1 2 3 1 10 100 1000 10000 लैक, तो 2 लैख, 2 लैख हो गया, और 4 का 1 10 100 1000 तो हो जाएगा 4000। दोनों का डिफरेंस मतलब इसको क्या करना है, सबट्रैक करना है, 0 0 0 इसे कैरी लेंगे तो यह बनेगा 10, यहाँ बन जाएगा 9, यह बनेगा 1, 10 में तो 4 सबट्रैक 6, 9 का 9 1, तो ये हो जाएगा कितना दोस्तों, 1,96,000 ऑप्शन में है, 1,96,000 है ऑप्शन में, तो यहाँ तो यही होगा हम लोग का ऑप्शन, तो इसका हो गया सेकेंड, नहीं सॉरी सेकेंड नहीं, 4 है, तो हो जाएगा 4, ये 4 लिखे हैं दोस्तों, इसका 4 हो गया। नेक्स्ट है उसके बाद द प्रीडिसेसर ऑफ, इसका प्रीडिसेसर बताना, सक्सेसर मतलब 1 प्लस करते हैं, प्रीडिसेसर मतलब 1 माइनस करते हैं, तो 3 5 7 4 8 6 0 0 प्रीडिसेसर मतलब 1 माइनस करेंगे, तो यहाँ तो माइनस होगा नहीं, इससे केयर लेंगे तो ये तो खुद बिकारी है, इससे लेंगे तो ये 5, ये बनेगा 10, इसको देगा तो ये बन जाएगा 9, ये बना 10, 10 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, यहाँ भी 9, 5 8 4 7 5 3 इधर सेम रह जाएगा, तो ऑप्शन देखते हैं कौन वाला मिलता है। पहला तो 9 9 5, यहाँ 7 नहीं 8 है इसलिए नहीं है। अगला देखते हैं 9 9 5 8 4 7, हाँ ये मिल रहा है, तो इसका मतलब इसका हो जाएगा 3। अगला द डिजिट एट द 10 मिलियन प्लेस इन द नंबर, 10 मिलियन प्लेस में क्या है, कौन सा नंबर है 10 मिलियन प्लेस, तो 1 10 100 1000 10000 100000 मिलियन 10 मिलियन, 10 मिलियन में यही है ना, 10 मिलियन प्लेस, तो 10 मिलियन प्लेस में हमको 3 दिख रहा है, तो 3 है ऑप्शन में भी, तो इसका हो जाएगा डी का सेकेंड। अगला 10 मिलियन कितना करोड़ होगा, ये देखिए कैसे बनाएंगे, तो पहले हम लोग 10 मिलियन लिख लेते हैं, 10 और मिलियन के लिए 3 3 जीरो लगाएंगे, 1 10 100 1000 10000 lakh 10 lakh crore, पहले तो हम लोग 10 मिलियन बना, 1 10 100 1000 10000 100000 मिलियन 10 मिलियन 10 मिलियन बना हुआ है, अब हम लोग इसको नेशनल में चेंज करना, करोड़ छाटना है, तो 1 10 100 1000 10000 lakh crore है ना, इसका मतलब करोड़ यहाँ से यहाँ ख़त्म हो गया, 6 × इसको करोड़ लिख सकते थे हम ऐसा, है ना, 1 10 100 1000 10000 lakh 10 lakh crore, तो यहाँ 6 × हम लोग इतना लिख सकते थे, तो इसका मतलब है ना 60 मिलियन कितना करोड़ होगा, 6 करोड़ होगा, 6 करोड़ ऑप्शन फर्स्ट में है
है ना, तो हो गया, ये समझ में आया। यहाँ देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला नंबर आएगा 30 यहाँ, 30 यहाँ 6, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ, तो यहाँ एक भी एक था, है ना। इस तरह से अगर कोई भी मेरे वीडियो को कोई भी पेरेंट्स देख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है ये लड़का मेरे बच्चों के लिए बहुत हेल्प करता है, तो मुझे आप इकोनॉमिकली हेल्प कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बैंक अकाउंट और IFSC कोड दिया हुआ है, वहाँ से मुझे इकोनॉमिकली हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट बता रहा हूँ, ड्रॉ एन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट शोइंग द पीरियड एंड प्लेस ऑफ एनी 9 डिजिट तक बताना है, है ना। तो हम लोग इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट बताना है, तो चलिए बना के दिखा रहा हूँ मैं। आप स्केल से बनाइएगा दोस्तों, ताकि देखने में अच्छा लगेगा। मैं ऐसे बनाता हूँ, नहीं तो बहुत लेट लगेगा। 100 होगा इंडियन वाला में, उसके बाद 1000 होगा, TOUSAND 1000 होगा, पहले पीरियड लिख रहे हैं अभी, उसके बाद लैख होगा, लैक्स होगा, थाउजेंड्स होगा, उसके बाद लैक के बाद करोड़, 9 डिजिट तक जाना है, CROREs करोड़, है ना। ये अब जो हम बता रहे थे ये पीरियड था, है ना, PERIOD, ध्यान रखना ये पीरियड है, ये पीरियड था, है ना। अब जो बताएंगे यहाँ नीचे जो बता रहे हैं ये प्लेस बता रहे हैं, ध्यान रखना। यहाँ क्या बताना, चार्ट बनाना है और सेइंग पीरियड बताना और प्लेस भी बताना। तो देखिए वंस में जो है ना तीन प्लेस होता है, एक होता है ONES वंस, एक होता है TENS टेंस, एक होता है 100। दोस्तों यहाँ नहीं हट रहा है इसलिए मैं HUNDRED लिख देना आप। उसके बाद इसमें होता है दो, TH मतलब 1000 और TTH मतलब 10,000। इसमें भी होता है दो, लैक और 10 लैक। इसमें भी होता है 2 करोड़ और 10 करोड़, है ना। ये जो हम बताए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है, है ना। तो ये नीचे में प्लेस बताए और ऊपर वाला में पीरियड बताए, है ना। इसीलिए तो पहला वाला में जो कोमा लगाते हैं नेशनल वाला में, 3 अंक के बाद, उसके बाद 2 अंक के बाद, उसके बाद 2 उसके बाद 2, लेकिन इंटरनेशनल में सारा में 3 3 में लगाएंगे। अगला वाला इंटरनेशनल वाला ही क्वेश्चन है, तो समझ में आया। ये पहला नंबर का ये हो गया ना, कितना नंबर, 2 नंबर का आंसर। अब आगे बता रहा हूँ, एक साथ ही बता रहे हैं, दोनों समझ में और आएगा। ड्रॉ द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट शोइंग द पीरियड एंड प्लेस ऑफ 9 डिजिट, ये भी बनाना है इंटरनेशनल, तो 3 नंबर बता रहा हूँ। यहाँ फिर वैसा ही लिखेंगे क्या, वंस, ये 3 नंबर का बता रहा हूँ। वंस के बाद दोस्तों इसमें देखिए, वंस के बाद 1000, तो इसमें भी होता है TOUSAND 1000 के बाद डायरेक्ट होता है क्या, मिलियन, उसके बाद होता है बिलियन, तो MILLION, लेकिन मिलियन में 3 डिजिट तक, 9 डिजिट तक आ जाएगा, तो हमको बिलियन लिखने का ज़रूरत नहीं। ये लिख दिए हम लोग, ये क्या लिखे थे अभी, पीरियड लिखे थे, तो पीरियड में फिर ये जो मैं बता देता हूँ, वंस में इसमें तीन होता है, एक होता है वंस, उसके बाद होता है टेंस, उसके बाद होता है 100, इसमें भी 3 होता है, 1000 10000 100000, इसमें भी 3 होता है, मिलियन 10 मिलियन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ दोस्तों, 100 मिलियन, मतलब सारा होता है इसमें। इसीलिए तो इसमें 3 अंक के बाद कोमा लगाते हैं, 3 अंक के बाद कोमा लगाते हैं और 3 अंक के बाद कोमा लगाते हैं। ये हो गया 3rd नंबर, है ना। आपको लिखना बढ़िया से लिखना है, यहाँ पूरा लिखना है, वंस टेंस 100 पूरा। आगे बता रहा हूँ, अगला है 4 नंबर में, लुक केयरफुली एट कोमा बिटवीन पीरियड एंड देन राइट द नंबर नेम फॉर द फॉलोइंग। यहाँ कोमा को चेक करना है, देखिए पहला 3 अंक में लगाया है, उसके बाद 2, उसके बाद ये नेशनल वाला है, इसमें 3 3 3 है, तो इसमें इंटरनेशनल वाला है, इसमें भी 3 3 है, तो 2 है, यहाँ तो 2 तो नंबर रहता तो 3 ही होता, क्योंकि 3 3 है तो इंटरनेशनल वाला है। उसके बाद यहाँ भी देखिए 2, इसमें 2 2, इसमें 3 है, तो ये नेशनल वाला है, ये दोनों इंटरनेशनल वाला, ये भी इंटरनेशनल, ये भी 3 3 है, तो ये इंटरनेशनल। मतलब इधर से आपको चेक करना है कि पहला तो 3 होता है, ये दोनों में 3 होता है, उसके बाद अगर 3 है तो इंटरनेशनल, अगर उसके बाद 2 अंक के बाद कोमा है तो नेशनल। तो इसमें नाम लिखना है, है ना, नाम लिखना है, तो मैं चलो एक तो नेशनल वाला, एक तो इंटरनेशनल वाला, पहले नेशनल वाला ये बता रहा हूँ, 3568043, 35 लैक, THIRTY, 35 लैक
उसके बाद है 68, सिक्सटी एट थाउजेंड, उसके बाद 43 हो जाएगा, है ना। बी नंबर में, बी नंबर में क्या है, तो 29568194। तो बी नंबर में क्या हो जाएगा, ये देखिए 110, 100, 10,000, 100,000 मिलियन होता है, तो 29 मिलियन हंड्रेड सिक्सटी एट थाउजेंड 194। है ना, इस तरह से हो गया दोस्तों। ये सारा ऐसा ही लिखा जाएगा, मैं एक बार बता देता हूँ फिर भी, लेकिन अगर लिखेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा क्योंकि बहुत क्वेश्चन बचा हुआ है। मैं सारा बता देता हूँ, ये हो जाएगा इंटरनेशनल वाला है, तो 104,601,843, इसमें 28,16,493, थ्री मिलियन 84,001, 9,001,348, इस तरह से लिखा जाएगा। अब आते हैं ये बनाना, ये सारा मैं समझाते हुए आपको बता रहा हूँ कैसे बनेगा। फाइव नंबर का ए नंबर, 1 मिलियन बराबर कितना लाख होगा, तो देखिए मैं तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ लेकिन आपको समझाना है मुझे, इसलिए तो मैं समझाते हुए आपको बता रहा हूँ 1 मिलियन कितना लाख। तो पहले 1 मिलियन लिख लेते हैं, 3,01,10,100,000 मिलियन बन गया। अब लाख छांटना है, तो 110,000,10,000 कितना होगा, है ना, 110,000,10,000 लाख। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 110,000,10,000 लाख, तो यहाँ 1 ऐसा लिख लेते हैं और इनटू बचा 10, ऐसा लिख सकते हैं ना, 110,000,10,000 लाख, लाख बचा कि नहीं बचा, हम लोग को यही लाख चाहिए ना। लेकिन यहाँ जीरो कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 इसमें है और एक इसमें है, तो 6 होगा, इसका मतलब 10 लाख हो जाएगा, है ना। 1 मिलियन इक्वल टू कितना होता है, 10 लाख, यहाँ 10 भरा जाएगा पहला नंबर में। मैं समझा रहा हूँ दोस्तों आखिर कैसे बनाएंगे आपको, नहीं तो फिर यहाँ 1 लाख इक्वल टू 10,000, तो 1 लाख पहले लिख लेते हैं, 110,000,10,000 लाख हुआ। हमको 1,000 चेक करना है, तो 110,000, तो इसका मतलब इधर 1,000 को पहले अलग रख लेते हैं और बचेगा कितना, 100, देख लीजिए यहाँ 1,000 इधर है, 110,000,1,000 इसमें, तो 3 जीरो इसमें, 2 जीरो इसमें, यहाँ भी 2 जीरो इसमें, 3 जीरो इसमें, तो इसका मतलब 100 बच रहा है, तो 100 क्या होगा, 1,000, इसे 1 लाख इक्वल टू 100,000 भरा जाएगा, है ना। आगे उसके बाद है सी नंबर, 1 करोड़, तो 1 करोड़ पहले लिख लेते हैं, 110,000,10,000 लाख, 10 लाख करोड़। मिलियन बताना है, तो 110,000,10,000, 100,000, तो इतना पहले अलग कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद मिलियन, या मिलियन बना दिए और बचा कितना, ये देखिए 10 बचा, नहीं यहाँ देखिए 110,000, 110,000, 10,000, 100,000 मिलियन इतना बचा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ एक है 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, देखिए शायद इसका मतलब 10 बनाएगा, इसके बाद 1 करोड़ 10 मिलियन हो जाएगा, इसमें 10 आंसर होगा। उसके बाद डी नंबर, अगर आपको नहीं समझना इतना तो डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं, इसका 10 बताया, पहला नंबर का 10, दूसरा नंबर का 100, तीसरा नंबर का 10, तो उसमें रटना पड़ेगा, मैं समझा रहा हूँ आपको। अगर यहाँ फिर देखिए 100 कर दिया तो फिर लफड़ा हो जाएगा, आपको दिक्कत होने लगेगा, 100 मिलियन, तो मिलियन इधर पहले बना लेता हूँ, 110,000,10,000, 100,000 मिलियन, तो 100 मिलियन बोला है, कितना करोड़ होगा, इसमें टोटल पहले कितना हो जाएगा, जीरो, तो 1, 2, 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 0 हो जाएगा। तो पहले हम लोग टोटल एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं, 8 0 बना दिए। अब करोड़ छांटना है ना, तो 1 10 100 1000 10000 lakh 10 lakh crore, मतलब यहाँ से इधर सारा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ 1 लिख देंगे, यहाँ 0 0 0 0 0 0 0। अब यहाँ से हुआ है ना, तो ये तो बचा हुआ है इंटू 10। यहाँ देख लीजिए, 1 10 100 1000 10000 lakh 10 lakh crore बन गया, और 10 करेंगे तो 10 crore हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए जीरो कितना, जीरो आपको प्रॉब्लम होगा तो जीरो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ 1 8 है, यहाँ भी 8 था, इसका मतलब इसमें भी आंसर 10 आया। आगे बता रहा हूँ, कंप्लीट द टेबल बाय राइटिंग द पीरियड प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द इनसर्कल डिजिट, मतलब इसमें कंप्लीट करना है। लुक केयरफुली एंड कॉमा बिटवीन द पीरियड, आंसर द क्वेश्चन फर्स्ट वन बी, पहला दिया हुआ दोस्तों, ये नंबर दिया हुआ है, पीरियड प्लेस वैल्यू, तो यहाँ पहले हम लोग कोमा देखना है, जैसे इंटरनेशनल नहीं नेशनल वाला है, क्योंकि 3 अंक उसके बाद 2 अंक, तो 1 10 100 1000 10000 है ना, तो इसका पीरियड जो है 1000 है और प्लेस जो है 10000 है, पीरियड 1000 प्लेस 10000 और प्लेस वैल्यू क्या होगा, 8 × 10000 80000 है ना, फेस वैल्यू को प्लेस वैल्यू प्लेस से मल्टीप्लाई करके प्लेस वैल्यू निकालते हैं। तो पहला तो बना हुआ है, इधर बना के दिखा, तो कितना नंबर है, बी नंबर में, यहाँ मैं पीरियड लिख देता हूँ, यहाँ प्लेस और यहाँ प्लेस वैल्यू, यहाँ कोमा देख के आपको पता करना है कि आखिर ये नेशनल है कि इंटरनेशनल। यहाँ देखिए 3 अंक 3 अंक 2 अंक फिर 2 अंक, तो इसका मतलब ये नेशनल है। यहाँ से यहाँ 100 होता है 1000, यहाँ लैक, तो ये लैक हो जाएगा, बी नंबर है यहाँ, तो लैक हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो 1 10 100 1000 10000 lakh 10 lakh हो जाएगा प्लेस में, है ना, 10 lakh lakhs लिख सकते हैं, तो 6 × 10 lakh इसलिए 60 lakh हो जाएगा, है ना, 60 lakh, 6 10 lakh भी लिख सकते थे, लेकिन यह 60 lakh है ना, खोलेंगे तो। अगला सी नंबर, 1 10 100, इसमें भी दो, इसमें 3 अंक के बाद कोमा है, देखिए 1 2 3 1 2 3, इसका मतलब ये नेशनल वाला नहीं इंटरनेशनल वाला है। तो यहाँ से यहाँ 100 होता है और इसको कहते हैं 1000, तो यहाँ हो जाएगा 1000, और यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ देखिए 1 10 100 1000 10000 100000, यहाँ 100000 लिखा जाएगा, बहुत लंबा हो गया, 100000 और 8 × 100000, तो यहाँ हो जाएगा 0 0 0 0 0। यहाँ देखिए बहुत ईजी है, क्या करते हैं जो नंबर है ना वो नंबर लिख दिए, उसके बाद जितना संख्या है उतना जीरो भर देते हैं, और कोमा भी यहीं देख के लगाते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल है, 3 अंक के बाद कोमा लगेगा। डी नंबर, उसके बाद यहाँ फिर 3 3 अंक के बाद कोमा लगे हैं, तो ये भी इंटरनेशनल है, तो 1s यहाँ पे 1000, यहाँ यहाँ होगा मिलियन, तो मिलियन में, और यहाँ हो जाएगा कितना, मिलियन 10 मिलियन, यहाँ फिर 10 मिलियन हो जाएगा, है ना, 10 मिलियंस, और यहाँ हो जाएगा 9 × 10 मिलियन, तो 90 मिलियन, है ना, 1 10 100 1000 10000 lakh sorry 100000 million 10 million, 90 मिलियन हो गया। अगला बता रहा हूँ, थोड़ा कम और, डी उसके बाद ई, यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ फिर 3 अंक 2 अंक 2 अंक, तो इसका मतलब ये नेशनल वाला है, तो 1 10 100 1000 10000 lakh 10 lakh crore में, CROR, यहाँ भी हो जाएगा CROR, क्योंकि दोनों वही हैं करोर, और 7 × crore करेंगे तो 7 crore हो जाएगा। अगला लास्ट है ये, 3 अंक 2 अंक 2 अंक, ये भी इस तरह से है, एफ नंबर, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए 1 10 100 1000 10000 lakh 10 lakh crore 10 crore में है, तो इधर लिखा जाएगा, यहाँ लेकिन करोड़ लिखा जाएगा, क्योंकि प्लेस तो पीरियड तो करोड़ ही है, लेकिन प्लेस 10 crore हो जाएगा, क्योंकि इधर साइड में है अभी 10 CROR 10 crore, और दोस्तों 2 × 10 crore करेंगे तो 20 crore हो जाएगा, है ना, 1 10 100 1000 10000 lakh 10 lakh crore 10 crore 20 crore, समझ में आया, इतना
अभी और भी है। उसके बाद सेवन नंबर में क्या बोला, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट एट डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट, इसको यूज करके राइट आल्सो राइट द नंबर नेम ऑफ द न्यूमरल फॉर्मेट बोथ एन इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। दोस्तों इसका पहले स्मॉलेस्ट बनाना है, एट डिजिट नंबर SMALLEST स्मॉलेस्ट एट डिजिट नंबर पहले बनेगा क्या, जब भी अगर स्मॉलेस्ट बनाना है ना दोस्तों छोटा से बड़ा सजाते हैं, और लार्जेस्ट बनाना है तो बड़ा से छोटा। तो अगर जीरो से शुरू करेंगे क्योंकि सबसे छोटा तो जीरो है, तो जीरो का आगे में महत्व होगा ही नहीं, इसीलिए जीरो से नहीं, जीरो से थोड़ा सा बड़ा कौन है, तो वन से शुरू करते हैं, वन जीरो, उसके बाद लिखेंगे टू, उसके बाद टू के बड़ा कौन है, टू से बड़ा है फोर, उससे बड़ा कौन है, तो फोर से बड़ा इसमें फाइव, फाइव से बड़ा सिक्स, सेवन, सेवन से बड़ा एट, एट से बड़ा नाइन, कितना डिजिट का बना था, एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट बन गया, नंबर बन गया। अब इस नंबर को पहले हम फिर से यहाँ लिख लेते हैं, टू फोर सेवन एट नाइन, फिर से यहाँ लिख लेते हैं दो बार, क्योंकि एक नेशनल एक इंटरनेशनल बना के उसका नाम लिखना है ना। तो पहले कौन सा बोला है, नंबर फॉर्मेट बोथ इंटरनेशनल इंडियन सिस्टम, इंडियन सिस्टम बनाना है, तो इंडियन में तो वन टू थ्री यहाँ कोमा लगेगा, वन टू यहाँ लगेगा, उसके बाद यहाँ लगेगा, इंटरनेशनल में वन टू थ्री यहाँ लगेगा, वन टू थ्री यहाँ लगेगा। तो इंडियन सिस्टम में पहले लिख लेता हूँ, वन टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख टेन लैख करोड़, तो वन करोड़, वन करोड़ टू लाख टू लैख, वन करोड़ टू लैख फोर्टी फाइव थाउजेंड फोर्टी फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड एट्टी नाइन, फोर्टी फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड एट्टी नाइन एस ई वी ई एन सेवन एट्टी नाइन। सेवन हंड्रेड एट्टी नाइन इसमें क्या हो जाएगा, वन टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड मिलियन, तो टेन मिलियन टू हंड्रेड फोर्टी फाइव टू हंड्रेड फोर्टी फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड एट्टी नाइन। है ना, अगला एट नंबर में क्या बोला है, राइट सक्सेसर मतलब वन मोर ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ वन मोर करना है, मैं लिख के दिखाता हूँ पहले, लेकिन बहुत लंबा वीडियो बन रहा। वन करेंगे तो नाइन वन टेन का जीरो कैरी वन, फाइव वन सिक्स नाइन का नाइन सिक्स थ्री फोर एट, इतना हो जाएगा दोस्तों, है ना। अगला है बी नंबर में, डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं, नाइन वन टेन का जीरो कैरी वन, 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 फिर नाइन वन टेन का जीरो, नाइन वन टेन आप डेरी सब टेन का जीरो कैरी वन, नाइन वन टेन इधर बैठाता हूँ, इधर आटेगा ही नहीं। तो यहाँ देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन हो जाएगा, क्योंकि एक बार जाएगा यहाँ लगेगा कोमा, यहाँ नेशनल वाला है तो वो यहाँ लगेगा कोमा, उसके बाद यहाँ लगेगा कोमा, है ना। जीरो सब गिन के बढ़ा दीजिएगा सी नंबर में, फिर यहाँ नाइन वन टेन का जीरो, नाइन वन टेन का जीरो, नाइन वन टेन का जीरो, फिर नाइन वन टेन का जीरो कैरी वन, यहीं बढ़ जाएगा सिक्स, ऐसा होगा, यहाँ पे कॉमा था यहाँ पे और यहाँ पे, तो फिफ्टी सिक्स थाउजेंड वन फिफ्टी सिक्स लैख टेन थाउजेंड। उसके बाद प्रीडेसेसर मतलब वन सबट्रैक्ट करना है, इसी का जस्ट उल्टा करना है। तो नाइन नंबर में प्रीडेसेसर मतलब वन लेस करना है, तो वन सबट्रैक्ट करेंगे यहाँ, तो मैं एक तो फिर बना के दिखा देता हूँ, फोर थ्री जीरो 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 वन माइनस कर रहे हैं, तो ये तो घटेगा नहीं, तो इससे कैरी लेंगे तो ये बनेगा टू, ये बनेगा टेन, इसको देगा ये बनेगा नाइन, ये बनेगा टेन, इसको देगा ये बनेगा टेन,
टेन में वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नाइन, यहाँ नाइन, यहाँ भी नाइन, यहाँ टू में नहीं कटेगा तो इसे कह लेंगे ट्वेल्व, यह हो जाएगा थ्री। ट्वेल्व में थ्री सब्ट्रैक्ट करेंगे होगा, सॉरी यहाँ तो सॉरी टू था तो टू लिखेंगे, ऐसा नहीं। फिर नाइन में वन, टेन में वन नाइन, यह भी नाइन, यहाँ भी नाइन, यहाँ टू होगा, यहाँ सॉरी टू का टू, उसका फोर का फोर, सिक्स का सिक्स, फाइव का फाइव, कोमा था यहाँ और यहाँ होगा। तो फाइव लैख फाइव लैख 64,299 है। फिर से एक बार बनाता हूँ उसको बढ़िया से, फाइव सिक्स फोर थ्री जीरो जीरो जीरो, वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे कैरी लेंगे तो ये बनेगा टेन, ये बनेगा नाइन, ये बनेगा नाइन, ये बनेगा टू, तो यहाँ हो जाएगा नाइन। टेन में वन सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ भी नाइन, यहाँ भी नाइन, यहाँ टू, यहाँ फोर, यहाँ फाइव सिक्स, इतना होगा। ये मिस था दोस्तों, यहाँ 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 एक नाइन छूट गया, तो हो जाएगा यहाँ पे कोमा 56,42,999। इसमें भी बना देता हूँ, ये भी डायरेक्ट घटा देते हैं। यहाँ देख लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन है ना, तो वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, नाइन डिजिट है तो ये हो जाएगा एट डिजिट का। आप बना के चेक कीजिएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट डिजिट का बन जाएगा, क्योंकि नाइन डिजिट में वन घटाते हैं तो एट डिजिट का बन जाएगा लार्जेस्ट, ये स्मॉलेस्ट है नाइन डिजिट इसमें, लेकिन दूसरा होगा यहाँ पे घटाएंगे तो फिर मैं यहाँ सीधा करके, तो वन घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा नाइन, यहाँ भी नाइन, यहाँ भी नाइन, यहाँ भी नाइन, और ये वन तो घटा दिए थे जीरो, फोर फोर, ऐसा हो जाएगा। यहाँ कोमा लगेगा यहाँ और यहाँ। नेक्स्ट क्या बोला है, फाइंड द सम, फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ टू फाइव, दो ठो फाइव है इसमें, एक ठो यहाँ है एक ठो यहाँ है, तो पहले लिखता हूँ क्वेश्चन को, नहीं तो दिक्कत होगा। तो पहले थ्री फाइव फोर सिक्स फाइव टू नाइन एट थ्री, सही बता रहे हैं। इस फाइव का जो प्लेस वैल्यू होगा फाइव, उसके बाद चार संख्या है तो चार को जीरो घटा दिए, इस फाइव का जो प्लेस वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो फाइव के साथ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन जीरो होगा तो जीरो 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 फाइव, सेवन हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, देखिए फाइव है दो दो तीन, तो यहाँ दो दो एक और घटेगा, इतना हो गया। इसका हम लोग क्या करना है, ऐड करना है, तो यहाँ हो जाएगा सम मतलब ऐड करना है, तो जीरो 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 फाइव प्लस जीरो तो फाइव, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो फाइव, तो इसका आंसर हो गया यहाँ फाइव वन टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख टेन लैख करोड़, फाइव करोड़ फिफ्टी थाउजेंड डायरेक्ट। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, थैंक यू। कमेंट जरूर करना दोस्तों और शेयर जरूर करना, थैंक यू।